हमने बुजुर्गों के लिए पेंशन, अब ये तो घूमते रहते थे, चीजों को करते रहते थे। हमने पहले दिन कहा था कि हम हमारे कार्यकाल में 1000 से 2000 सीधी पेंशन करेंगे, और अभी एक महीने बाद 1 नवंबर से सबकी पेंशन, बुजुर्गों की, विधवाओं की, या जो दिव्यांग बंधु हैं उनकी सबकी पेंशन 2000 रुपया पूरी मिलेगी, जो 1800 मिल रही है। मित्रों, बिजली, अब ये बिजली एक ऐसा विषय है, हरियाणा के कितने ही मुख्यमंत्रियों ने दावा किया कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। 1998 में चौधरी बंसीलाल ने पूरी कोशिश की, सिर्फ 150 गांव में वो पूरी बिजली दे सके 24 घंटे, 150 गांव से ऊपर नहीं दे सके, और उन्होंने भी कई स्कीमें चलाई उसके लिए, कोई जमीन फ्री दे देगा, ट्रांसफार्म अपने यहाँ ट्रांसफार्मर लगवा ले, अपना जो क्या होता है पावर हाउस लगवा लेगा, तो जहाँ पावर हाउस लगोगी उस गांव को बिजली देंगे, वो भी आधे लगातार बिजली तो ले रहे थे 24 घंटे, बिल उन्होंने भी नहीं दिए, उनकी भी खत्म हो गई। हमने आके कहा बिल सब दे दो, मीटर अपने बाहर लगवा लो, लाइनें हम ठीक कर देंगे, पिछले बकाया जुर्माना मत दो, पेनल्टी मत दो, जो आपका ओरिजिनल बिल है इकट्ठा दे सकते हो ठीक है, नहीं दे सकते हो तो उसके 6, 8, 10 किस्तें बढ़ा देंगे, हम 2 साल तक किस्तें ले लेंगे उसकी। और फिर इतना ही नहीं, हमने कहा ये सब जो कर देगा उसका अगर 500 यूनिट तक का खर्चा है, वो जो 4.5 रुपया यूनिट होता था उसको भी घटा करके हम 2.5 रुपया कर देंगे, 2 रुपया यूनिट छोड़ देंगे।